कहा तो जा रहा है कि आज जो है ना वो इमकान है बारिश का शायद लाहौर में भी हो जाए अल्लाह करे देखें ऐसे माहौल में जो एहत है एहतजाज करने वाले जो है, है उनको हम किन मुश्किल में मुबतला करेंगे बिल्कुल बहरहाल आप मुशावरत के बाद जो भी ऐलान होगा और जो भी इकदाम होगा वो देखेंगे फिर उस पर उस बात करेंगे साहब सर जो तो 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 जो है है तो तो वो लबैक भी कह रहे हैं और कह रहे हैं कि जी हम तैयार हैं जैसे गंडापुर साहब तो जी हम तो पहले से तैयार थे अलीमा साहब कुछ और इशारा दे रही है कैसा लग रहा है तैयारी नहीं है लेकिन अंसार अब्बासी साहब जो खबर दे रहे हैं सर वो तो कुछ और ही बता रहे हैं वो तो कह रहे हैं कि एक जो सीनियर क्यादत है पीटीआई की वो नाखुश है इस फैसले से ठीक है कि वो अब कह के जी बहुत से हमने अमल करना है लेकिन आपको लगता है सर कि ये कह रहे हैं कि जी अब आपस में रानूमा जो है वो यानी कि बात करके इनको राज़ी कर सकते हैं खान साहब को कि ये तारीफ जो है वापस लेने यू टर्न हम देख सकते हैं आने वाले दिनों में टर्न भी हो सकता है लेकिन बात यह है कि इस तरह के जो यानी तजी है हम उसमें उस बाद ये भी होता है ना उन तजी से भी एक ख़ास सूरत हाल पैदा होती है तो मेरा ख्याल ये मामला पी टी आई के लोगों तक छोड़ देना चाहिए उनके रहनुमाओं तक वो अपने चेयरमैन को क्या मशवरा देते हैं और उनके बाद क्या हुक्म उनको दिया जाता है जो भी होगा सामने आ जाएगा देखिए अभी जो आज उनकी बरीयत की दरख्वास्त जो है वो मस्तरद हुई है वो तो उसकी मस्तरद होने की तो ख़ास अहमियत नहीं है क्योंकि ये जो पीटीआई के लोगों ने बरीत की दरख्वास्त दी थी उसके कानून दानों ने ऐसे कानून दान भी तो पी टी आई का मुजसर है ना जो बहुत तेज़ रफ्तारी से आगे बढ़ते हैं भाई एक मुकदमा चलना शुरू हुआ है और आपने बरीयत की दरख्वास्त दाग दी है अब वो मुस्तरद हो गई है इसका मतलब है मुकदमा चलेगा फिर फैसला होगा फिर उसके खिलाफ अपील होगी तो बानी पी टी आई जो है एक लंबा प्रोसेस है यानी ऐसा नहीं उनको सजा भी हो जाए तो फिर अपील का हक तो हासिल रहेगा जो जो हाई कोर्ट में भी और सुप्रीम कोर्ट में भी तो एक अभी तो ये प्रोसेस जारी है ना इस पर ना उनको कोई मायूस होना चाहिए और ना उनके हम जो मुखालिफ हैं उनको कोई खुश होना चाहिए कुछ लोग ये भी पूछ रहे कि क्या यानी हमत जाहिर है इस वक्त बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो मख्फी हैं वो कमेटी की भी बात बार बार हो रही है फिर ये कि शामी साहब अब ये भी कहा जा रहा है कि तमाम लोग इसमें जो है वो शामिल हों जो नहीं होगा उसको बिल्कुल यानी कि ला तलकुक समझा जाएगा कि उसका पार्टी से ताल्लुक नहीं है तो आपको लगता है कि जो अंडरग्राउंड लोग हैं वो भी मंजर आम पर आ सकते हैं या उनको अब आना पड़ेगा दिस इज द दे टाइम देखिए जो खास साहब ने हुक्म देना है फाइनल और जो अल्फाज उसके होंगे हाँ। उसके मुताबिक उनके फॉलोअर्स फैसला कर लेंगे आप इसमें हम कहा मीन बेख निकालें और हमें हमारे पास तो कोई बराए रास्त तो मालूम है नहीं तो कोई कुछ कह रहा है कोई कुछ कह रहा है तो ये सारे तज्ए हो रहे हैं अंदाजे लगाए जा रहे हैं जब ये हतमी सूरत हाल सामने आएगी तो सारे मंदर वाजे हो जाएंगे फिर जो उसके बाद जो नतीजा होगा आ, वो भी सामने आ जाएगा तो इसलिए इस, इस वक्त हमें इस पे ज़्यादा उलझन आनी चाहिए और इंतज़ार करना चाहिए कि किस तरीके से मामला आगे बढ़ते हैं या पीछे हटते हैं